लंबे समय से फरार चल रहे पुरस्कार घोषित बदमाशों, गैंगस्टरों, शराब तस्करों और गांजा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए काली नगरी की पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने बीते शुक्रवार की रात चेक इन के दौरान 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस ने 5 किलो गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ भदोही के अलावा जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, रायबरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़ में गैंगस्टर, चोरी, जालसाजी, हत्या के प्रयास, आबकारी अधिनियम सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, गोपीगंज पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे पुरस्कार घोषित 25,000 रुपए के अंतर जनपदीय चोर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम सुरेश कुमार उर्फ जुआड़ी है और प्रयागराज जिले के सराय ममरेश थाना क्षेत्र के एक गाँव का रहने वाला है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 306/22, धारा 410, 413, 414, 419, 420, 272, 307 और 149 के तहत विभिन्न मुकदमों में सहित कई मामलों में भदोही के अलावा जौनपुर, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़ में गैंगस्टर, चोरी, हत्या के प्रयास, आबकारी अधिनियम सहित कई गंभीर मामलों में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते शुक्रवार की रात गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र के नथईपुर त्रिमहानी से आरोपी को 5 किलो नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में गोपीगंज थाने के उप निरीक्षक सरफराज अहमद, उप निरीक्षक रमेश प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर गोपीगंज पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आज जनपद भदोही में प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज और उनकी टीम ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। काफी समय से वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी अजय सुरेश को गिरफ्तार किया गया है। अजय थाना सराय ममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज के रहने वाला है और पेशेवर अपराधी है, पेशेवर नकबजन है और रामचंद्र मौर्या गैंग का सक्रिय सदस्य है। अजय कई जनपदों से भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी और रायबरेली, लखनऊ से वांछित चल रहा था। ये शराब की दुकानों के ताला तोड़ करके शराब चोरी करना, उसकी बिक्री करना, इस तरह के अपराधों में सक्रिय रहा है। आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और इस कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया गया। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।